मंगलवार ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम श्रीमती वाड़ी के मुख्य अतिथि में वार्षिक समारोह का हुआ आयोजन। मंगलवार कस्बे के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी श्रीमती तिवाड़ी के मुख्य अतिथि तथा विकास अधिकारी अवरदान सारण के अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप तहसीलदार सम्मनलाल, सरपंच केराराम राणा, उप सरपंच मोहित राजपुरोहित, प्रधानाचार्य अरविंद बाजक, कार्यवाहक थानाधिकारी बाबूलाल राजपुरोहित, हेड कॉन्स्टेबल अर्जुन लाल एवं एसएमसी अध्यक्ष जोईताराम उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में छात्रों की ओर से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ने प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी सीमा तिवाड़ी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन एवं व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्य वर्तमान युग में जरूरी है और बगैर कंप्यूटर के ज्ञान से व्यक्ति का शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से ही व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। वहीं कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। विकास अधिकारी अवरदान सारण ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय छात्रों के चरित्र निर्माण में अग्रणी हैं। उन्होंने संस्कारयुक्त शिक्षा देने पर जोर दिया। इस दौरान भामाशाहों और बारहवीं के छात्रों का बहुमान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मन संचालन नवाराम सुधार ने किया। अंत में प्रधानाचार्य अरविंद बाजक ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान दीक्षार्थी प्रिया का मंगलवार विद्यालय ने किया बहुमान। मंगलवार गांव की प्रिया सांसारिक जीवन को त्याग कर स्वयं पथ अंगीकार करने जा रही हैं, जिसको लेकर विद्यालय परिवार और छात्रों की ओर से दीक्षार्थी प्रिया का ढोल धमाकों के साथ विद्यालय में बुलाकर बहुमान किया गया। विद्यार्थियों को अच्छी मेहनत कर आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य की कामना दीक्षार्थी ने की। वहीं नशे से दूर रहने की बात की। इस मौके शांतिलाल जैन, रतनलाल जैन, साहिब सिंह, नवाराम सुतार, राजकुमार भैराराम, मुन्नालाल पूराराम, कमलेश कुमार, पंकज खत्री समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।